तो गाइस, ये मेरा दुबई का 10th एपिसोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले व्लॉग देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आप देख रहे हैं कुशल कुशल कुशल्स ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ पाम जुमेरा बीच पाम, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। मैं कल या परसों में चला जाऊँगा। रिपोर्ट आ जाएगा, कोविड का रिपोर्ट भी आज ही आएगा, और मुझे आज जाना है पाम जुमेरा बीच। पाम जुमेरा बीच में अभी तक मैं गया नहीं हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगा। आज मैं तीनों चीज़ दिखाऊँगा, मेट्रो भी दिखाऊँगा, ट्राम भी दिखाऊँगा, दुबई का ट्राम कैसा होता है, और फिर दिखाऊँगा मोनोरेल ये पाम जुमेरा बीच तक ले जाती है। तो मैं आपको तीनों दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा तीनों दिखाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी है यहाँ से, और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन वे भी यही तीनों चीज़ें। क्योंकि टैक्सी से टाइम भी लग सकता है, जाम भी लग सकता है, इसलिए मेट्रो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए। मेट्रो और ये है मेरा कुछ रूम है ऐसा। तो चलते हैं, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, इतना रिस्क लेके आया हूँ कोविड के टाइम में घूम रहा। चलो शुरू करते हैं। मैं वर्ग्राम में जाना होगा, देख रहे हो कैसे रुक गया गाड़ी। तो मैं कुछ होटल का नाम बता दे रहा हूँ। अगर दुबई में अगर होटल लेना तो सबसे बेस्ट होटल रहेगा आपके लिए पार्क रिगिस। ये सिटी सेंटर में रहता है, और यहाँ से आपको डेजर्ट सफारी हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, ये सब जगह जाने के लिए आसान रहता है। तो सिटी सेंटर में ही लेना होटल, ज़्यादा दूर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही नीचे जाना पड़ता है लिफ्ट से, और वो भी टू फ्लोर तक नीचे जाना पड़ता है, कहीं कहीं थ्री फ्लोर तक है। अब सोचो डेजर्ट एरिया में ऐसा मतलब बना दिया, भाई सोच के ही मतलब क्या बोलूँ मैं। चलो देखते रहो इस वीडियो को। रेड लाइन से मैं जाऊँगा। तो यहाँ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है जल्दी समझ में नहीं आता कि किधर आपको जाना है, कौन सा लाइन से जाना है। क्योंकि यहाँ में मेट्रो का ठीक से कहीं से मतलब लिखा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर अरबिक में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं मेट्रो में बैठ गया हूँ, खैर बैठा नहीं हूँ, मैं खड़ा ही हूँ, क्योंकि मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। दोस्तों आप लोग व्यू का एंजॉय करो, बहुत ही अच्छा रोड यहाँ दिखेगा, रोड हो गया, सिटी दिखेगा। ये मेरे सामने ही दुबई फ्रेम है। तो मैं आ गया हूँ जहाँ जाना था मुझे। अब यहाँ से मुझे जाना है ट्राम के लिए, और यहाँ ट्राम पकड़ के फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पाम जुमेरा बीच। तो अब ट्राम पकड़ के देखते हैं कहाँ जाते हैं। मुझे तो जाना है, आपको बताइए, मुझे जाना है इस जगह पे, बीच में जाना है। ट्राम के बाद फिर मोनोरेल। तो भाई देखो, ये है दुबई का ट्राम स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है। और कंपेयर करके देखते हैं दुबई का ट्राम और कोलकाता का ट्राम, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। ये बहुत ही मॉडर्न और इनोवेटिव तरीका से बनाया हुआ है। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बैठ जाए, सीट मिल गया मुझे इस बार। भाई मेट्रो में सीट ही नहीं मिलता है, हर सीट पे तो आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि
कोविड थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं इससे कोई फायदा है कि नहीं। भैया हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ से हम लोग का सामने है पाम जुमेरा बीच, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं अभी यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि अभी मेरे पास नेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस जगह पे 5G का नेटवर्क नहीं आ रहा है और मेरा जो सिम है वो 5G सिम कार्ड है। वैसे जो मैं स्टेशन पे आया हूँ, ये जुमेरा बीच रेसिडेंसी 2 के नाम से जाना जाता है और यहाँ में 3 ऐसे हैं, तो थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि कहाँ पे बीच है। थोड़ा हेल्प लेना होगा यहाँ के पीपल सबसे बात करके। और ये ट्राम का ट्रैक है, ट्राम के ट्रैक पे अगर पकड़े जाते हो तो उस पर भी भाई 40,000 का फटका पड़ जाएगा। जो ट्राम है, इस ट्राम को सेफ्टी के लिए बीच में ऐसा बाउंड्री जैसे दिया हुआ है जिसमें कोई कार या कुछ भी आ नहीं सकता है। देखो कितना अच्छा दिया। तो हम लोग को थोड़ा देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, वेट करना होगा रेड सिग्नल का। जब तक रेड सिग्नल नहीं आ जाता हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। गाड़ी कैसे बिकाई, चमत्कार होते हैं। यहाँ की कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ का बहुत साफ सुथरा है ना, साफ सुथरा, फिर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। हाँ ब्लॉग बनाता हूँ। वो शायद जो हम लोग आ गए हैं बीच में, यही है बीच। बीच मतलब थोड़ा सा और दूर है, लगभग होगा 200 मीटर के आसपास। आगे बीच आ गया है, बीच अब यहाँ से दिख भी रहा है, समुद्र दिख रहा है। बस थोड़ा देर और उसके बाद में मैं दिखाता हूँ आगे फ्रंट का सीन, दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। बहुत मस्त लग रहा है भाई साहब, पूरा दुबई दिख रहा है यहाँ से, तो बता रहा हूँ जस्ट 2 मिनट। वो रहा सामने बीच, तो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद में हम लोग को फाइनली बीच मिल गया। सो हम लोग फाइनली बीच में पहुंच गए। अरे भाई वो रहा देखो, एक बोट ये जा रहा है प्लेन, इससे स्काई डाइविंग कराते हैं लोग को। बहुत ज़्यादा मस्त है यार। और यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, मास्क और कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ बीच पे, तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहना नहीं है, और सू पहना हुआ निकालने से यहाँ फिर गंदा हो जाएगा। बहुत अफसोस लग रहा है, मुझे कपड़े लेके आना चाहिए था भाई। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, मैं अपने साथ शॉर्ट्स और टॉवल वगैरह सब नहीं लाया, नहीं तो भाई बीच में भाई एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। भाई लोग यहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं, मुझे भी जाने का मन कर रहा है। मुझे भी जाने का मन कर रहा है। कैसे जाओ, इतना गुस्सा आ रहा है, काश मैं लेकर आया होता अपना शॉर्ट्स।
शू पहना हुआ है, शू निकाल तो सकता हूँ, लेकिन फिर पाँव जब गीला हो जाएगा तो ये जितना भी बालू ये सब जो है ना, ये पाँव में चिपक जाएगा, फिर उसका शू के अंदर चला जाएगा। तो इस बीच को देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कितने ज़्यादा मतलब आदमी सब आए हुए बाहर से, अदर कंट्री से, यूरोपियन ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और इस कोविड के सिचुएशन में भी इतना लोग घूमने आया। कल गया था बुर्ज खलीफा, शाम को ये आदमी क्या, शाम को गया था, रात में आया, पूरा शो देख कर है ना, पूरा मतलब शो देखे, मॉल में गए, कितना टाइम लगता है वहाँ पे शो देखने में आपको, जाने एक घंटा लगा दीजिए, उसके अंदर भी गया था कि क्या, मॉल के अंदर नहीं, बुर्ज खलीफा के अंदर, हाँ टिकट लिया था। तो मेरे पीछे जो ये दो भाई दिख रहे हैं, ये पंजाब से बेसिकली, और मुझे ये बीच पे मिल गया, अभी मिले, और इनसे मेरा अच्छा खासा बात हुआ, फ्रेंडशिप हो गया, अब इनके साथ एक्सप्लोर करूँगा ये बीच को। टी शर्ट तो है ये, बस हाफ पेंट और टावल लाना चाहिए था मुझे। हाँ जो जो आया भाई बड़े इन्जॉय कर रहे हैं, गोरे लोग तो खास कर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। इन लोग का कंडीशन देख के ही आपको पता चल गया होगा। आना है तो भाई आ जाओ दुबई में कभी भी, साल के कभी भी आ जाओ, लेकिन ये जो दिसंबर का महीना है ना, ये सबसे बेस्ट रहता है, दिसंबर जनवरी का, यहाँ में ना गर्मी ज़्यादा पड़ता है ना ठंडा रहता है, सही है। अब वही जून जुलाई का महीने में आओ, हालत ख़राब हो जाएगा, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है यहाँ, तो यहाँ में जो बीच में जो सन बात ले रहे हैं ना, इनका तो अच्छा बात हो जाता नीचे से निकला। तो मैं पहले ही एडवाइस दे रहा हूँ आपको, कभी भी आना यहाँ, लेकिन जून जुलाई के महीने में मत आना, हालत ख़राब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होगा। भाई अमेजिंग व्यू है भाई, मस्त व्यू है, तो भाई मुझे एक ऐसा चीज मिला है जो आपको दिखाने वाला चीज है। वो समुद्र में अंदर तक रहता है, आपको दिखा रहा हूँ, आपने कभी देखा नहीं होगा इसको, आप लोग कभी सोचा है इंटरनेट कैसे आता है, मैं दिखा रहा हूँ, ये है भाई केबल, इसके अंदर से ही इंटरनेट आता है और जाता है, ये वो पूरा कनेक्टेड रहता है, ये इंडिया भी क्या होगा, और इसके थ्रू ही हम लोग इंटरनेट वाईफाई ये सब जो भी है सब इससे कनेक्ट रहता है। तो मुझे भाई जितना पता था मैं उतना बता दिया, बाकी आप इंटरनेट से सर्च करके पता कर सकते हो। तो ये भाई जो आगे दिख रहा है, बोट सर्फिंग हो रहा है, ये मुझे करने का मन था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस था, 6,000 रुपये करके था एक पर्सन का, तो फिर मुझे बदलना पड़ा मन, लेकिन ऐसे यहाँ पे बीच में भी बहुत सारा एक्टिविटी है करने के लिए, बोट से है, यहाँ भी लग्जूरियस बोट, ये सिप है, क्रूज़ है, मतलब आपको राइड कराएंगे अलग अलग जगह पर ले जाकर।
तो देखो भाई, ऐसा कंडीशन है, सू मत पहन के आना और अपने साथ टॉवल और शॉर्ट्स लेकर आना जरूर। एक डेढ़ घंटे हो गए लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। ये जो बिल्डिंग है ऐसा लग रहा है कि साथ साथ हम लोग के साथ चल रहा है भाई। बहुत लंबा बीच है और ये स्काई डाइविंग भी यहाँ पे होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। ज़्यादा नहीं लगता है, बस इनके पास पैसे हैं बहुत सारे, वो कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, ओनली 50,000 पर पर्सन। वो है कि उसमें है? इस जगह से पूरा दुबई का बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखता है। फोटो लाजवाब आएगी यहाँ से। तो ये जो प्लेन गया इसमें ही बैठा के ऊपर से स्काई डाइविंग कराते हैं। ये लोग चिल्ला रहे होंगे भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे।